रिप्रेजेंट प्रेशर, सी रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट, एस रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया नॉन जीरो इंटीजर एक्स वाई जेड। तो ये क्वांटिटी, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होगी, समझो एक क्वांटिटी है पी एक्स एस वाई सी जेड, इसमें एक्स वाई जेड क्या होगी वो हमें निकालना है। ठीक है, चलो सबसे पहले पी का डायमेंशनल फार्मूला रखो। ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी बना रहे हैं, ये मिल के सब एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी बना रहे हैं, एम नॉट एल नॉट टी नॉट बना रहे हैं। ठीक है, ये सारे एक डायमेंशनल लेस बना रहे हैं, क्लियर है। तो पी का रहा, देखो पी क्या है, देखो पी डिफाइन किया हुआ, पी रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिव पर यूनिट एरिया, यह आ जाएगा एम एल टी माइनस टू और एरिया का एल का स्क्वायर, मतलब एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, ये आ गया अपना पी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो सी अगर स्पीड ऑफ लाइट है तो सी का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, तो सी का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एल टी माइनस वन। ठीक है, एस क्या है, एस रिप्रेजेंट, यस देखो क्या डिफाइन किया इन्होंने, ठीक है, एंड एस रिप्रेजेंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड। एनर्जी फॉल कर रही है किसी सरफेस पे, तो पर यूनिट एरिया पर सेकंड कितनी एनर्जी फॉल कर रही है वो एस है। तो एस को मैं लिख सकता हूँ, दैट इज एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड टाइम टी। अब एनर्जी है वो है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, एरिया का हो गया एल स्क्वायर और टी का हो गया टाइम, एल स्क्वायर ने एल स्क्वायर को ख़त्म कर दिया, मतलब एम और टी की पावर माइनस थ्री, दैट इज द एस। तो ये आ गया, ये तीनों हमें पता चल गया, डायमेंशनल फार्मूला इन तीनों को पता चल गया। अब ये सारा उठा के यहाँ रख दो, ठीक है, सी का पता चल गया, पी का पता चल गया और टी एस का पता चल गया। ये उठा के यहाँ रखोगे तो पी इधर बचेगा, पी पी का डालो, पी का क्या निकाले थे, प्रेशर, पी का इधर आया था ना, एम एल की पावर, एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर टू, दैट इज द एक्स। अगेन एस की वैल्यू डालो, एस क्या था, एम एल की पावर माइनस थ्री, एम टी की पावर माइनस थ्री, दैट इज वाई। और यहाँ जी की वैल्यू, एल टी की पावर माइनस वन, दैट इज जेड। इसका मतलब ये हुआ, जब इक्वेशन बनाओगे एम एम को एक पास करो, एम की वैल्यू है, एम की वैल्यू है एक्स प्लस वाई, ठीक है, एम एल की माइनस एक्स प्लस जेड, ठीक है, टी की पावर यहाँ से माइनस टू एक्स, सॉरी प्लस टू एक्स, माइनस थ्री वाई और माइनस जेड। तो इधर क्या है, डायमेंशनल लेस, ये एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी बना रहे हैं, ये सब एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी बना रहे हैं, मतलब इधर आ जाएगा एम नॉट एल नॉट टी नॉट, ठीक है ना। ये इसका मतलब ये हुआ एक्स प्लस वाई दैट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ x माइनस वाई हो गया, x और माइनस आपस में इक्वल होंगे और माइनस एक्स प्लस जेड इज ऑल्सो इक्वल टू, और z और x आपस में बराबर होंगे, और ये जो है ये 2x 2x माइनस 3y और माइनस जेड इक्वल टू जीरो। तो ये तीन इक्वेशन बने। अब तुम या तो इनको सॉल्व करो, अपना टाइम वेस्ट करो, या तो इसकी वैल्यू दी हुई है वहाँ कंपेयर कर लो। हमको पता है कि यहाँ पे x और y आपस में इक्वल है, देखो x यहाँ पर है, x और y आपस में इक्वल है बट साइन अपोजिट है, और z और x आपस में इक्वल है, तो देखो x और y आपस में इक्वल है साइन अपोजिट के साथ, मैच करो x और y आपस में, ये कभी सही नहीं हो सकता, x और y बराबर है ये कभी सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये x और y आपस में इक्वल है, अपोजिट है, साथ साथ x और z इक्वल है, तो इसमें तो x और z इक्वल ही नहीं है यार, एक प्लस है माइनस, तो ये भी सही नहीं हो सकता, मतलब सी ऑप्शन सही है ना। टाइम